देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी लखनऊ से आ रही बड़ी जानकारी आपको बता दें, यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। आज सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जा चुका है, जिसके बाद आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। जनहित के मुद्दे विपक्ष आज उठाएगा। जनहित के कई मुद्दों पर सदन में प्रस्ताव रखे जा सकते हैं और विधानसभा सत्र में आज भी हंगामे के आसार है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीते कल नजूल संपत्ति विधेयक को पास कराया गया था सदन में। सत्ता पक्ष ने इसको पटल पर रखा था, इस विधेयक को, जिसके बाद जोरदार हंगामा सदन में देखने को मिला था और इसी हंगामे के बीच इस प्रस्ताव को पारित किया गया और इसके बाद आज भी कई विधेयक पटल पर सदन की रखे जा सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दें कि जो अनुपूरक बजट सरकार ने पेश किया है विधानसभा में, उस अनुपूरक बजट की अनुदान मांगों पर आज चर्चा की जाएगी और इन अनुदान मांगों को लेकर भी, अनुपूरक बजट को लेकर भी विपक्ष जोरदार हंगामा आज कर सकता है और जो विधेयक आज पास कराने के लिए जो विधेयक आज पेश किए जाएंगे सदन में, उस पर भी जोरदार हंगामा विपक्ष आज करता हुआ नजर आ सकता है। बीते कल भी जोरदार हंगामा किया गया और खासकर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वेल को घेर कर जोरदार हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन इसके बीच लगातार कार्रवाई चलती रही। बिलों को पास करवाया गया, विधेयक पास हुए और उसके बाद जब हंगामा और भी ज्यादा बढ़ गया तो विधानसभा की कार्रवाई को शाम को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद आज फिर से कार्रवाई की शुरुआत होगी। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र की कार्रवाई का चौथा दिन है, मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। अनुपूरक बजट पर चर्चा और कई मुद्दे जनहित को लेकर विपक्ष आज उठाता हुआ नजर आएगा। टीएन मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। मिश्रा जी, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का चौथा दिन है। बीते कल हमने देखा कि नजूल संपत्ति विधेयक को लेकर बहुत हंगामा हुआ, आज क्या अपडेट दे सकते हैं चौथे दिन को लेकर, आज भी हंगामे के आसार? देखिए तीसरा हंगामा तो होगा, स्वाभाविक भी है कि, लेकिन हंगामे का असर सत्ता पक्ष इसलिए नहीं कि उसके पास पर्याप्त बहुमत है और पर्याप्त बहुमत होने के नाते सत्ता पक्ष को ऐसा नहीं पड़ता, जो विधेयक लाती है वो उसका पास हो जाएगा, इसमें कोई उससे चिंता नहीं होती। इसलिए विपक्ष हंगामा करता रहता है, अपनी उपस्थिति दर्शाता रहता है और सत्ता पक्ष उसका जवाब देकर के विधेयक पास कर ले। नजूल जो अधिनियम पे आया था, जो संशोधन आया था, उसको लेकर के जो विधान परिषद में हंगामा हुआ, बेल तक पहुंच गया जैसे सफाई, लेकिन बाद अभी डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि उनका अधिकार है, अगर कोई संशोधन में हमें जरूरत लगेगी और जायज संशोधन मांगेंगे तो मैं वो संशोधन करूंगा। ये डिप्टी सीएम ने भी हम लोगों से सीधा बात कही। तो ये माना जा रहा है कि जो आज 1 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ सदन को संबोधित करेंगे और कल सदन का आखिरी दिन है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो विपक्ष ने सवाल उठाए उनका सब जवाब देंगे ये माना जा रहा है, और चाहे वो नेता विरोधी दल की बात हो चाहे दोनों सदनों के किसी भी नेता की बात, जो भी किया वो सारे सवाल उनके पास नोट हैं और आज उनका जवाब देंगे और 1 बजे सीएम जो बोलेंगे ये माना जा रहा है कि सारे सवालों समायोजित करते हुए वो सदन को संबोधित करेंगे कि जिससे लोगों के सारे सवालों का जवाब मिल सके। अब जहाँ तक अनुपूरक बजट की बात है, अनुपूरक बजट जो भी पारित हो जाए कि उस पर जो सवाल कुछ विपक्षियों के हैं, लोगों का कहना कि पुराना बजट 50% ही खर्चा हो पाया और नया बजट ले आए गए हैं, सरकार का कहना है कि हमारे पास परिवहन विभाग में जो है बसें चलानी है कुंभ के लिए और तमाम अन्य विभाग हैं, राजस्व विभाग है और औद्योगिक सूचना, तमाम तरह के विभागों में पैसे की जरूरत थी, इसके लिए खर्चा किया जा रहा है और बजट लाना हमारी मजबूरी है। तो ये सब मुद्दे हैं जिस पर सत्ता पक्ष अपना जो है जवाब देगा और विपक्ष इन पर सवाल खड़े कर रहा है। जी तीसरा मिश्रा जी, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी, चूंकि अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, हंगामा विपक्ष की तरफ से देखने को मिल सकता है और आज भी कई विधेयक जो है वो सदन में पेश किए जा सकते हैं सत्ता पक्ष द्वारा, तो ऐसे कौन से विधेयक हैं जो आज पेश किए जाएंगे? देखिए सबसे बड़ी चीज जो मेन बहस आज की है वो जो है अनुपूरक बजट के ऊपर होगी, उसके बाद देखिए सबसे बड़ा बात जो आज लाए गए, जो अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ था, हत्या हो गई थी प्रयागराज में और पुलिस कचहरी में, उस पर भी आज लाया जा रहा है, रिपोर्ट रखी जाएगी, तो इस पर भी थोड़ा माना जा रहा है कि सपा का हंगामा हो सकता है क्योंकि सपा इसको लगातार मुद्दे उठा रही थी। ये मुद्दे आज जो है विधानसभा में रखे जाएंगे पटल पर और इस पर भी बहस हो सकती है। दूसरा जो है सदन में सबसे जनहित मुद्दों पर चर्चा तो होगी ही, जो इसके बाद जो है जो तहरीर जो
ये मुद्दे आएंगे इन पर सरकार चर्चा करेगी। अतीक और उनके बेटे असद, उनके सहयोगियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, ये रखा जाएगा। जस्टिस राजीव लोचन मेहरोत्रा की रिपोर्ट भी सदन में रखी जाएगी, अनुपूरक बजट पर चर्चा, और सीएजी रिपोर्ट भी पटल पर रखी जाएगी, और लोक अधिनियम है उस पर जो है विधानसभा में पास कराया जाएगा, और जस्टिस बाबा भोसले की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय जाँच की गई है उसकी भी रिपोर्ट रखी जाएगी। ये कई महत्वपूर्ण प्रकरण हैं जिनको सदन में रखा जाएगा और उस पर सरकार चर्चा के बाद उनको पारित कराएगी। तो ये माना जा रहा है कि सरकार पर पर्याप्त बहुमत, इसलिए कोई सदन में विधेयक रुकेगा नहीं, सब विधेयक पास हो जाएंगे, लेकिन विपक्ष अपनी बात जरूर रख रहा है और उसकी बात सीएम योगी आदित्यनाथ सुन भी रहे हैं। बिल्कुल मिश्रा जी, विपक्ष तो पूरी तरह से अपनी बात रख ही रहा है कि हम रोज देख रहे हैं जब से मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू हुई है। बीते कल से पहले जब अवैध धर्मांतरण यानी कि लव जिहाद को लेकर मजबूत कानून बनाने की बात की गई थी, इससे संबंधित भी एक बिल पास किया गया था, तो तब भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था। हालांकि ये एक ऐसा फैसला है, एक ऐसा कानून है जो कि प्रशंसनीय माना जा सकता है। देखिए ये सही कर रही है, फैसला प्रशंसनीय है, लेकिन विपक्ष का सीधा कहना है कि किसी का दुरुपयोग में जो है ये ना हो, किसी को निर्दोष को फंसा दिया जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ सीधा सदन में भरोसा भी दिलाया है कि किसी को निर्दोष नहीं फंसाया जाएगा। दूसरा, सीएम योगी आदित्यनाथ सरकारी कर्मचारियों के लिए कल जो सरकारी अनुसंधान जो है उनके एनपीएस में 10% था, उसे 14% करने को घोषणा की है। ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है कि ये जो है अब चुनाव के पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी इससे काफ़ी कुछ जो लाभान्वित होगा और इससे खुश भी होगा। तो ये मुद्दे भी आज हैं। और दूसरा, लव जिहाद की जहाँ तक बात है, तो विपक्ष यही जाहिर कर रहा है और सरकार का कहना है कि हम जो गिरोह चलाते हैं, संगठित लोगों जो निरपराधों को फंसाते हैं और धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो ऐसे लोग हम कार्रवाई करेंगे और किसी तरह से नहीं हिचकेंगे। तो विपक्ष की आपत्तियों खारिज भी सरकार ने किया है और कहा हम किसी निर्दोष को नहीं करें, पर जांच के बाद ही कार्रवाई होगी, सीधी सी कार्रवाई नहीं होगी। जी साहब, मिश्रा जी, बीते कल विधानसभा सत्र के दौरान जो नजूल संपत्ति विधेयक पास किया गया था, अब देखिए विपक्ष तो लगातार सवाल उठा ही रहा है, चूंकि विपक्ष का ये काम है, लेकिन कल हमने ये भी देखा कि सत्ता पक्ष के अंदर खाने से भी कुछ आवाजें आ रही थी जो योगी सरकार के खिलाफ थी। नजूल संपत्ति विधेयक के मामले में 2 विधायकों ने इसका विरोध करने की कोशिश की। उनका कहना था कि एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को आवास प्रदान करवा रहे हैं, तो वहीं आप ऐसा विधेयक लाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोगों को संपत्ति से बेदखल कर रहा है। ये सही कह रहे हैं, जो नजूल संपत्ति पे तमाम लोग कब्जा है और तमाम लोग नजूल संपत्ति आवंटित करा करके भी वहाँ घर बना कर रह रहे हैं, तो सीधे से विपक्षियों का और खुद सत्ता पक्ष के सदस्य राजा भैया भी सत्ता पर समर्थक ही माने, उन्होंने भी सवाल उठाया कि ये तो जो है उन लोगों से अत्याचार है जिनके घर बने। जहाँ लखनऊ देखिए, अकबर नगर बहुत बड़ी जो है कॉलोनी थी, बच गई थी, और उसको तोड़वा के सरकार ने पूरा उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। तो ये कहा जा रहा है कि नजूल की भूमि या जो नालों के किनारे जगह है जहाँ भी लोग कब्जे हैं, तो हट इससे रोक लगेगी, लेकिन सरकार का कहना है कि रोक हम लगाएंगे। विपक्ष कह रहा है इससे तमाम लोगों का उत्पीड़न भी हो रहा है और तमाम लोगों के हितों का अनदेखी हो रही है। जिनके बने बनाए घर हैं वो तोड़े जा रहे हैं, तो सरकार नए घर तो कम दे पा रही, बने बनाए घर ज़्यादा तोड़ रही है, तो ये उनका आरोप था और ये माना। दूसरा, कल जो लखनऊ में जल भरा हुआ, विधानसभा में जल भरा हुआ, ये मुद्दा भी आज विपक्ष उठा सकता है। विधानसभा के अंदर पानी पहली बार भरा है, उसके गुंबद से पानी। तो आज का दिन बेहद दिलचस्प रह सकता है, कुछ ही देर और उसके बाद सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी। यादव जी ने संसद में जो कहा होगा, संसद में बैठे हुए लोग उनका जवाब उन्हें दे देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई, विधान परिषद की कार्रवाई बहुत सुचारू रूप से चल रही है और बहुत अच्छे से कामकाज हो रहा है, इसलिए आप वो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली की चिंता कर। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉनस्टॉप हरियाणा। स्वागत है, बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, बिजली आपूर्ति, खाद आपूर्ति, पानी, गोवंश को लेकर चर्चा की गई इस बैठक में। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जरूरी दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए। गर्मी और खेती के मौसम में बिजली जारी रहे, ऐसा सीएम योगी का कहना है। जलाशयों में नहरों के जरिए पानी पहुंचाया जाए, खाद की कालाबाजारी तस्करी करने वालों पर एक्शन लिया जाए। तो ये तमाम आदेश और निर्देश इस उच्च स्तरीय बैठक में जारी किए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा।
और यहाँ आपको बता दें कि विधानसभा सत्र की मॉनसून सत्र की कार्रवाई भी चल रही है और उसी दौरान इससे पहले आज का दिन शुरू होने से पहले सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा विचार विमर्श और कई आदेश जारी किए गए। और प्रयागराज से भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें आपको कि कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। हिंदू मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर आज फैसला लिया जाएगा और 2 बजे तक कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद लगाई जा रही है। बड़ी जानकारी प्रयागराज से बता रहे हैं, 2 बजे तक कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद लोग लगा रहे हैं और कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले पर आज ये बेहद महत्वपूर्ण और अहम सुनवाई हाईकोर्ट में होने वाली है। तमाम लोगों को इस सुनवाई का इंतजार है और हिंदू मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं जो दायर की गई थी, जो लोगों ने याचिकाकर्ताओं ने याचिकाएं दायर की थी, उन याचिकाओं पर आज फैसला हाईकोर्ट सुनाएगी। बेहद महत्वपूर्ण और बेहद अहम ये सुनवाई मानी जा रही है। हिंदू मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर फैसला होगा और ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि आज दोपहर 2 बजे तक हाईकोर्ट अपना फैसला सुना देगी। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले पर यह अहम सुनवाई आज हाईकोर्ट में। प्रयागराज से यह बड़ी खबर आपके सामने। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इस महत्वपूर्ण मसले को लेकर सुनवाई होगी और 2 बजे तक फैसला सामने आने की उम्मीद। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले पर यह सुनवाई होगी और बेहद अहम यह सुनवाई मानी जा रही। 2 बजे तक फैसला आ सकता है। याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर आज फैसला लिया जाएगा। हिंदू मुस्लिम पक्ष के लोगों ने ये जो याचिकाएं इस पूरे मुद्दे पर दायर की थी उनकी आज सुनवाई होगी, उनको सुना जाएगा और फिर उसके बाद फैसला हाईकोर्ट सुनाएगी। 2 बजे तक दोपहर में फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट सुना सकती है और आज सुनवाई। बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, हाईकोर्ट में अहम सुनवाई कृष्ण जन्मभूमि को लेकर और हिंदू मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आज फैसला जारी होगा। हाईकोर्ट ये फैसला जारी करेगी, 2 बजे तक कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का यह मामला है जिस पर आज सुनवाई होगी हाईकोर्ट में। प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी, हिंदू मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी, इसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको लगातार, जहां पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेहद महत्वपूर्ण और अहम सुनवाई होनी है कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले पर। आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और मुस्लिम हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी, याचिकाकर्ताओं को सुना जाएगा जिसके बाद आज फैसला आएगा। और एक बड़ी खबर अलीगढ़ से भी बता दें आपको, अलीगढ़ के खैर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक और इको कार में टक्कर हुई है। कार सवार 5 लोगों की मौत हो चुकी है तो वहीं 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़ा हादसा हुआ है, बेहद भीषण हादसा। अलीगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 5 लोगों की मौत हो चुकी है तो वहीं 5 लोग घायल भी है। घायलों को अस्पताल में भिजवाया गया है तो वहीं जो शव है 5 लोगों के उनको पोस्टमार्टम के अस्पताल भिजवाया गया है। अलीगढ़ के खैर की ये पूरी घटना बताई जा रही है जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक से भिड़ंत की वजह से कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। यानी कि कुल मिलाकर बड़ा हादसा ट्रक और एक कार के बीच में, जिसकी वजह से ये पूरी कार इस हादसे की चपेट में आ गई। और यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कार के परखच्चे उड़ गए हैं और क्षतिग्रस्त पूरी तरह से यह कार हो चुकी है, जिसके बाद यह खबर सामने आई है कि 5 लोग घायल और 5 लोगों की मौत। ZA खान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ZA खान, क्या है ये पूरा मामला, किस तरह से ये हादसा हुआ, कार और ट्रक की भिड़ंत, क्या पूरी जानकारी? संपर्क टूटने की वजह से
अभी हमारे संवाददाता आगे जुड़ेंगे और ये बड़ी जानकारी आपको लगातार बता रहे हैं। अलीगढ़ से तेज रफ्तार ट्रक और इको कार के बीच में टक्कर हुई, जिसकी वजह से 5 लोगों की मौत तो वहीं 5 लोग घायल हैं। अलीगढ़ से ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं। भीषण सड़क हादसा हुआ है अलीगढ़ में, जहां पर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 5 लोग जिनकी मौत हुई है उनको अस्पताल में उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, तो वहीं घायलों का उपचार जारी है। तेज रफ्तार ये ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था, जिसके बाद इको कार और इस ट्रक के बीच में जोरदार भिड़ंत हुई। तो वहीं नोएडा हाईटेक सिटी कहलाने वाला शहर दिखने में बहुत सुंदर दिखाई देता है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जरा सी बारिश होने के बाद पानी में सड़कें इस कदर डूब जाती हैं कि घुटनों तक पानी जमा हो जाता है। बात करें प्राधिकरण की, तो सावन आने से पहले नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बहुत से दावे किए थे कि आने वाले बरसात में आम पब्लिक को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, पानी की निकासी अच्छी तरह से होगी, कहीं पानी जमा नहीं होगा। लेकिन ये सब दावे जो है अब जमीनी हकीकत पर झूठे ही साबित होते दिखाई दे रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में आधे घंटे की हुई बारिश ने नोएडा प्राधिकरण की पोल खोल के रख दी है। आप देख सकते हैं कि जरा सी बारिश ने नोएडा के सेक्टर 49 के शताब्दी एनक्लेव का क्या हाल कर रखा है। कहने को तो ये एक बहुत पॉश कॉलोनी है, लेकिन जरा सी बारिश ने पॉश कॉलोनी की जो हालत की है, इससे पता चलता है साफ कि नोएडा प्राधिकरण के जो आश्वासन है, जो वादे हैं, वो कितने खोखले हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लबोलब पानी भरा है, लोगों को आने जाने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार नोएडा प्राधिकरण ने बारिश आने के पहले, मानसून आने के पहले जो वादे किए थे, जो आश्वासन दिए थे कि अब की बार लोगों को जल भराव की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, आखिर वो वादे कहाँ गए, आखिर उस आश्वासन का क्या हुआ। अब नोएडा प्राधिकरण क्या करेगा इस तस्वीर को देखने के बाद, नोएडा प्राधिकरण जो है वो अब क्या कदम उठाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। नजू श्रीवास्तव वीडियो पर्सन के साथ नोएडा। तो ये तस्वीरें नोएडा से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर झमाझम बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति नोएडा में भी देखने को मिल रही है। और यहां पर हमारी संवाददाता ने एक रिपोर्ट, खास रिपोर्ट पेश की इस पर कि किस तरह से नगर निगम ने, प्रशासन ने कई दावे सावन के शुरू होने से पहले किए थे कि यहां पर जलभराव की स्थिति पैदा नहीं होगी, वाटर लॉगिंग नहीं होगी, लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इन दावों के बावजूद यहां पर अब प्रशासन और नगर निगम के दावे लगभग फेल नजर आ रहे हैं। यहां पर ऐसे कोई भी जो दावे प्रशासन ने उस दौरान किए थे उनकी झलक तक नजर नहीं आ रही है और सड़कें पूरी तरह से पानी से भरी हुई है। और जो प्रशासन कह रहा था कि लोगों को परेशानियां नहीं होंगी, तो वहीं अब इससे उलट स्थिति देखने को मिल रही है। घुटनों तक लोगों के पानी पहुंच गया है और नोएडा जैसी हाईटेक सिटी में, स्मार्ट सिटी में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, ये बेहद चिंतनीय विषय है। ऐसा कहा जाता है कि नोएडा एक हाईटेक सिटी है, लेकिन यहां की तस्वीरें कुछ और ही बयान कर रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल का। लखनऊ का मुख्य हस्तगंज चौराहा, बड़ा तालाब, नगर निगम के लाख दावे हुए खोखले साबित, सीवर सफाई न होने का खामियाजा भुगत रही जनता। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार, एक हुआ फरार। सहारनपुर के देवबंद में 2 बच्चों की करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत, निर्माणाधीन बेसमेंट में कबूतर पकड़ने गए थे बच्चे। कुशीनगर में अपनी ही सरकार, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती को लेकर दिया धरना, शहर से लेकर गांव तक भीषण बिजली कटौती से नाराज दिखे कार्यकर्ता। कानपुर में जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की बढ़ रही लगातार मुश्किलें, आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी भी पहुंची जांच करने। बाराबंकी में सरकारी शिक्षकों की बड़ी लापरवाही आई सामने, कक्षा 2 के छात्रों को स्कूल में बंद कर चले गए शिक्षक। बरेली में पुलिस से व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना का किया खुलासा, 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार, 44,554 रुपए, 2 मोटरसाइकिल, 1 एक्टिवा, 5 मोबाइल बरामद। कानपुर में 4 साल का मासूम 2 दिन पहले हुआ था लापता, आज घर पहुंचा मासूम का शव, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल।
हापुड़ में करंट की चपेट में आने से दो कावड़ियों की मौत। हादसे का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। कैंटर पीछे करते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया कैंटर। कानपुर में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट की घटना के दौरान कई लोगों को आई गंभीर चोट। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। फरुखाबाद में दिन दहाड़े बीआरसी के अंदर शिक्षक को मारी गोली। आरोपी मौके से फरार। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। शुरू की जांच पड़ताल। बुलंदशहर में कांवड़ खंडित होने को लेकर हुआ दमकर हंगामा। तभी अचानक गैर समुदाय के लोगों पर कर दिया पथराव। विवाद में कांवड़िया घायल। फरुखाबाद में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। समाजवादी पार्टी ने सांसद अवधेश प्रसाद का सियासी का दौर बढ़ाया। लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ कामकाज संभालते आए नजर। आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अनुराग ठाकुर का किया पुतला दहन। राहुल गांधी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आक्रोशित हैं कांग्रेसी। इटावा में कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं ने किया जमकर प्रदर्शन। बीजेपी नेता का फूंका पुतला। राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी को बताया अशोभनीय। देवरिया के महिला ने दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान में की चोरी। काउंटर में रखे चांदी के लाखों रुपए के गहने चुराए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।